भाई यहाँ पे बार्गेन चलती है पूरी ना, अगर आपको 10 यूरो का बोल रहे ना तो 7 यूरो का, 5 यूरो का ऐसे वो इंडिया की तरह चीज मिलती है यहाँ पे। वही है इंडिया का 500-600 वाला माल नहीं हो जो सर रद्दी में पड़े रहो वाला आयो। हम कहाँ बैठे भाई हम बताना जरूर रहने हैं, बट अब दोस्तों की हालत देखो इस टाइम ना। चल बेटा नह ले पहलो, अब शूज पहनने लग गया ना इंदलवीत। चल फिर रो लेते यार। और भी साथ में हम गमलों में भी भाई आज लगाएंगे कुछ, क्या बावना क्या तैयारी है? इसमें लगेंगे मिर्च के पेड़। मिर्च के पेड़ भाई ये रहे मिर्च के पेड़, काफी लग रहे थे मम्मी ने लगाए थे, काफी बड़े हो गए है ना। और मिर्च भी जाम गई क्या यार? ना ना तो खाते नहीं। अच्छा क्या बेटा? अच्छा शूज पहन गया, चल आ जा कोई नहीं था अभी काम करा दे थोड़ा सा। लुक अ फ्लावर, अब ये स्मेल कर कर का देखेगा ना, ना सारे सुखा दिए भाई इसने हमारे फ्लावर। कौन सा बढ़िया लग रहा है बेटा? हाँ अभी ठीक है। तो भाई ये थी अपना खाद जो कि हम लेकर आओ भाई लिडल से, और कंपोस्ट भाई ना इस पर लगेगा अपना सारे में घेरेगा ना, इसमें मिर्चों के पेड़ लगा देंगे ना आराम से तसल्ली दे। और उसके बाद जो प्लान है भाई हम ना जाना भाई अपने सिटी सेंटर घूम के आएंगे, घुमा के आएंगे भाई आपको डबलिन सिटी सेंटर आयरलैंड में, और साथ में भाई लंच भी वहीं पर करके आएंगे, तो कोई बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलेंगे। बेटा बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है रायन, पापा की जुगली भी था इस तरह करा। हाँ कोई नहीं। लो भाई इस टाइम सारे घर के शूज पहनने पर लग गए, और रायन के मेरे कपड़े हुए ना बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गए। नहीं हाँ मैचिंग हो गया, मैचिंग टी शर्ट होगी। बेटा उल्टी पहन लिया अपने शौक, एक में ठीक है एक में उल्टी पहन ली। और जो भाई अभी जो प्लान है जाने का भी जा रहे हैं हम सिटी सेंटर भाई, देसी मार्केट जाएंगे आपके। टीवी बनी बेटा कह रहे ईवी तो जहाज ना बोला, टीवी गाय पर जाने। रायन बैग लेने लग रहा भावना, बैग मम्मा ले रही आ जाओ। सोच रखा है बैग, ये बैग। वेलकम रायन, चलो बेटा। लो भाई आज का मौसम भी बड़ी हो रहा है, यानी कि ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की, बट बारिश नहीं हो रही। लो भाई जो प्लान है वो जाना है भाई हमने सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर में कहाँ पे जाना है ये भी नहीं कुछ पता है, बट आपको दिखाएंगे भाई सिटी सेंटर की मार्केट, देसी मार्केट, और साथ में भाई आपको ना चाइना टाउन लेकर जाएंगे। चाइना टाउन गई भावना? चाइना टाउन नाम रख रखे भाई ना, वहाँ पे भाई सारी चाइनीज ही दुकानें हैं। और चाइना टाउन भाई हमने क्यों जाना है, अपना ये चार्जर देख रहे ना इसके आगे का भाई ये सी टाइप है, और सी टाइप भाई घड़ी चार्ज करने के वास्ते ना, तो सी टाइप मेरा ही खराब हो रहा है मे भी, या फिर हमारा भाई ये चार्जर हमारे पास एक ही है वो मे भी खराब हो रहा, तो इसके आगे लगाने के लेके आएंगे। USB गया दलवीत कभी चाइना टाउन ही? इंडिया में नहीं है, इंडिया में चाइना में नहीं, इंडिया में भी तो इंडियन मार्केट है लेकिन चाइनीज मार्केट भी है, यहाँ पे ना सारी चाइनीज दुकानें हैं, तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह सारे भी चाइनीज ही है, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा है ना इसके आगे के लगाने का। साथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने के भाई ना, कोई दुकान पे कोई सस्ता टिकाऊ भाई ये जरूरी है भाई ना, देसियों वास्ते मस्ट चीज है। चलो बेटा रायन चल ठीक है, बाय बाय कर दो मम्मा, तो बेटा साथ में बैठी। रायन बेटा ज्यादा तंग ना करिए, अच्छा वहां पे जाके रायन ठीक है ओके। 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई बाहर का, और वेदर भी भाई जबरदस्त हो रहा है, कुछ टाइम और भाई ऐसा वेदर रहेगा आयरलैंड में। मोस्टली तो भाई यहाँ पे ना क्या कि बारिश होती रहा या बादल रहा, तो विंटर में तो बड़ा बुरा हाल होना। विंटर तो नहीं था ना तेरे तो पहले साल आयो इस साल, तो विंटर भाई यहाँ की जबरदस्त पूरी ठंड भाई ना, कड़के वाली ठंड हुआ, जैसी गर्मी पड़ रही ना इस टाइम इससे 10 गुना लगा ले बस ना, इतनी सर्दी होगी भी इतना दिखने की नहीं है, धूप भी लिखा दी आज भी ना, उस टाइम बंदा भाई मिस कर रहा है आज ही समर ना। यह है कि भाई टनल टनल तो नहीं जाएंगे, सिटी सेंटर से जाएंगे बेटा, तय क्यों कमेंट्री कर रहा है। तो फिर दलवीत कैसा लग रहा है आयरलैंड में इंडिया का वेदर लगा ले या फिर इंडिया में कंपेरिजन? 3-4 महीने हो गए थे ना, 4 हो गए, 4 महीने हो गए। अच्छा तो वेदर बढ़िया है मतलब यहाँ का भी, लेकिन अगर रोड का तुम बैठे जहाँ मर्जी घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरे रूल फॉलो करने पड़ा। और क्या कुछ मिस, खाने पीने में क्या चीज मिस हो रही? कुछ टिक्की बर्गर आज ट्राई करेंगे, कोई देसी पकवान से खाया खाएंगे अपना, और डोसा कह रहा था वही दलित डोसा नहीं खाया यहाँ से, और देखेंगे नहीं अगर और कुछ बढ़िया ऑप्शन मिल जाए ना भाई चाइना टाउन में या फिर और कहीं भी वो ट्राई करेंगे। चलो भाई नियरली लगेंगे 5 मिनट और 5-7 मिनट और स्वीट एंड स्पाइस भाई जहाँ पे देसी सामान देसी फूड भाई जैसे समोसा वगैरह ना समोसा चाट पकौड़ी वगैरह खाने का विचार है, तो पहले भाई स्टार्टर वहीं तक करेंगे उसके बाद जाएंगे भाई चाइना टाउन में। लो भाई पार्किंग मिल गई बड़ी मुश्किल थे, और लो जी सेल अग्रीड किसी का भाई घर बिकन लग रहा है, ऐसा ऐसा निशान लगाते हैं। लो भाई कहीं भी पार्किंग लगा रहे ना ये देख लगा रहो, मंडे टू सैटरडे 7 से 24 आवर्स यानी कि ये पार्किंग है, अदरवाइज ये फ्री पार्किंग है। तो आ जाए भाई संडे तो सामने आओ अपना रेस्टोरेंट चलिए। बेटा क्या ऑर्डर करा पता कुछ? नमना का ही ऑर्डर करे जिसको ये पता है। तो भाई देसी दुकान और देसी पकवान मिठाई वगैरह ले बेटा, और कुछ भी लेना बता दे।
बस यही है, ऐसा लग रहा है ढाबा देसी ढाबा याद नहीं है। तो भाई अपना आयरलैंड का देसी ढाबा है और सारे पकवान मिठाइया वगैरह। वैसे अस मखिया मुखिया तो है नहीं, तो मन नहीं लगता फिर टेस्टी होंगी भाई ये चीजा मखियो के टेस्ट अलग हो ना बेटा। कुकुना ना देखे गए अभी रमना गाय के साथ भाई कुकुना ना भी चलेगा यहाँ पे। चलो भाई अपना टिक्की चाट आयरलैंड की देसी ढाबे की। देसी ढाबे ही आयो रमा सुना नहीं बुला वो आ जाएगा, वीजा लगवाया उसका नहीं भरोसा। कैसी है पाना भाई? बंदे ने पूरा जोर लगा रखा, टमाटर अनियन पेपर्स और क्या है भाई कुकुम्बर चाट देसी स्टाइल पूरी बनाने की ट्राई करी है। चलो आज आज बेटा जल्दी आ जा रहा है। चलो क्या गाड़ी है ना बस इतनी डिमांड नहीं करा लो भैया आया आगे बस स्टॉप देखो कितने बढ़िया बस स्टॉप लग रहे भाई। बस का टाइम टेबल भी लिख रखा है अभी 6 मिनट बाद ये गाड़ी आने लग रही है, बस आने लग रही है सामने से बस आ रही यहाँ पे रुकेगी। वाकई में भाई बढ़िया लग रही 08KE8 नंबर, नंबर भी बड़ा जबरदस्त ले रखा है अपनी राम प्यारी वो खड़ी भाई ना। ओ समोसे भाई चाट कैसी लगी? इंडिया वाली फीलिंग आई क्योंकि भाई देसी सा डब्बा था अपना ना। लो भाई अपना आगे गाड़ी में और गाड़ी का भाई है कि ना संडे को मोस्टली पार्किंग यहाँ पे फ्री हुआ तो अभी जाना भाई चाइना टाउन। चाइना टाउन घुमाएंगे आपको ना भाई, चाइनीज दुकानें दिखाएंगे मेन तो है कि भाई इसके 4000 का अगर मेरे को मिल जाए तो बाकी वैसे वहाँ पे सारा कुछ मिल जाए सामान तो ना। ये है कि अपना चाइनीज मार्केट लगा हुआ इसी कहीं पार्किंग लड़ी ऐसी तो लग रही भाई राइट हैंड साइड ना सारे भाई चाइनीज दुकान है पार्किंग ही बड़ी मुश्किल मिलनी है। तो वॉक स्टेशन अपना चाइनीज फूड शॉप नूडल्स चाइनीज ये भी चाइनीज ये भी चाइनीज कोई स्पेलिंग स्पूलिंग तो नहीं लिख रखा ना पढ़े तो जा नहीं रहा क्या लिख रखे वो तो समझ में नहीं आ रहा। हिलान इंग्लिश में लिख रखे लेकिन बाकी भाई सारा चाइनीज में लिख रखा। हाँ देखिए ये भी चाइनीज सामान सारा ना। अच्छा एक बार देख कर तो अभी क्या बेच रहे राइस पता करके देखो कितने का है। 20 यूरो का तो कुछ भी नहीं है। 20 का या 25 का? 20 यूरो ना 25 का बोल रहा 20 का तो नहीं 20 के जी का है लेकिन ना जिस तरह अपना देसी रेडी नहीं हुआ रेडी पर सामान रख कर रखा काट कर उसको रख रखा भाई इस शॉप पर पता करेंगे मोबाइल वाली पर मिल जाएगा होपफुली इसका सामान जो है। और ये भाई कितना छोटा मोबाइल है 35 रुपए का। तो बेटा तब मिल गया और मनु क्या हाल भाई? बस बढ़िया भाई टकर गया आज तो है छापा लग गया रेस्टोरेंट में दिखा दिखा लिखट का रेस्टोरेंट जा रहे थे चाइना टाउन जाएगा वो बढ़िया ऑफर लग रहा है आज ना। ये भाई होप ऑन होप बसेस तो कहाँ गई बसेस वो गई भाई इसके पीछे खड़ी जाके बस ना ये खड़ा भाई बंदा ये अपना एडवर्टाइज कर रहा है भाई आपको पूरे डबलिन में घुमाया था डबलिन में घुमा के आपको बस में बिठा के भाई 17-18 यूरो की फीस है दो बंदों की डबलिन कवर कर दो भाई ऐसा सा मौसम हो रहा था टूरिस्ट वास्ते भी बढ़िया। और ये दे गाड़ी कहाँ से आ रही पुलिस है ना भाई ऊपर देख मैं थी भाई चाइना टाउन से मैंने लिया ना सी टाइप का वो क्या है भाई यहाँ पे बार्गेन चलती है पूरी ना अगर आपको 10 यूरो का बोल रहे ना तो 7 यूरो का 5 यूरो का ऐसे भाई इंडिया की तरह चीज मिलती है यहाँ पे। ये रहा भाई अपना स्पायर और ये रही भाई अपना डबलिन आयरलैंड की बिजीएस्ट स्ट्रीट ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट ना पहले आए तो नहीं लाइन तो देख आइसक्रीम वाली शॉप है ना। और ये लग रही भाई अपना देसी रेडिया यहाँ से भी सुबह के टाइम ना हाँ रेडिया लगा इस तरह इंडिया में लगा मार्केट लगा यह सब्जी मार्केट सारी ये वही अपना लाइव स्ट्रीट है डबलिन की। तो ये है सामने आइलिक शॉपिंग सेंटर चल अंदर ही चला ना इसमें चल अंदर काफ़ी रश है ना अपने कंपेयर टू भाई जहाँ पे हम रहा वहाँ के कंपेयर टू भी काफ़ी बिजी है दुकानें यहाँ पे सिटी सेंटर में। मैन साइज 39 शूज सही लग रहे नहीं कितने को होंगे 35 यूरो के बढ़िया लग रहे यार लग रहे तो रहे देसी जी देखने में बट 35 यूरो के तो क्या माड़े हैं वही है इंडिया का 500-600 वाला माल नहीं हुआ जो सर रद्दी में पड़े रहो वाला आयो क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है 35 यूरो के तब भी लगा रखे तो था सामान लेकिन ना कॉपी थी वो ना सारों की। हाँ बेटा अच्छा ये टॉय की शॉप भी है चल रहा इन वास्ते ले ला फिर कुछ ना। वाओ सामान बड़ा सस्ता लग रहा दिलीप सामान 1-1 यूरो का 2-2 यूरो का भैया हम तो सोर्स में वहीं खुश हो जाए 2-2 यूरो का सामान लेगा यहाँ तो और ज्यादा सस्ता है सारा 1-1 का लगा रखे ना। ओ मास्टर जी का पराठा भी मिल गया भैया तो 4 यूरो का पराठा मिल गया भाई ना और मास्टर जी ने तो पता नहीं भाई 4 यूरो का लेगा उसने बता दिया ना 5000 का भाई तेरा चश्मा। वाह मास्टर जी ये सारे पराठे लग रहे भाई ने कह रहा है इनके स्कूल का बैग भाई सितंबर से शुरू है इसके स्कूल तो बैग की तैयारी डीजल में चला इसमें ना यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा 100%। लो भाई इसी शॉपिंग सेंटर में है प्रोटीन की दुकान बेटा ट्रैक्टर चलो फिर तो ये है कि भाई दोबारा अपना ओखोनल स्ट्रीट लोअस्ट ट्रैक ट्रेन ट्रैक भाई बने हुए हैं रोड के ऊपर ही
गुगू सा बज रहा भाई, मतलब कि भाई क्रॉस कर लो रोड। उस दिन मसाला डोसा खाया था नहीं, पाव भाजी डोसा, तो आज दूसरा ट्राई करेंगे। वाह रायन का ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया निकला है भाई, कैसा बेटा ठीक है? डोसा तो देख रहे थे हम कहाँ बैठे भाई, हम बताना जरूर रहने हैं, बट अब डोसे की हालत देखो इस टाइम ना दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है ना। चलो उठ जाओ बेटा उठ जाओ, सो गया था? लो भाई फाइनली आ गया अपना घर, थक गया रायन भी है ना, चलो बेटा आज कोई नहीं। और रायन ने तो ट्रैक्टर भी लेकर आया। लो भाई टाउन ते आ गया, बिल्कुल थक गए क्योंकि भाई टाउन में इस टाइम क्या देखिए धूप निकल रही है, एक तो साथ में भी हवा भी चल रही है। और आज का व्लॉग भाई ना शॉपिंग का कम और वॉकिंग का ज्यादा रहा, तो खाने पीने का शॉपिंग का ही रहा। साथ में कई बाद में अपना दलविद भी अपना शॉप पे चला गया और रायन भी वही गाड़ी में आते आते सो गया। बिल्कुल ऐसे ना नींद आ रही इस टाइम तो ना, तो मेरा भी टाइम हो गया भाई ना, इस टाइम एडिटिंग करेंगे और अपना साथ में सो जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।